हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम न्यूज़ एनालिसिस के इस सेशन में स्वागत है। आज 12 जुलाई 2022 द हिंदू के न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। टाइटल है द रिसर्च फॉर डार्क मैटर, डार्क मैटर की खोज। प्रिमरी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। लगातार प्रिमरी में पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने की परंपरा रही है, और जो कॉस्मोलॉजी है उससे संबंधित उसके एक्सप्लोरेशन को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं, और उसकी टेक्नोलॉजी जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इन्हेंस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर भी क्वेश्चन पूछता है। चाहे वो इंडिया की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो नासा की हो, या जक्सा की हो, या रॉसकॉस्मोस की हो, या सर्न की हो, या किसी भी इस स्पेस एजेंसी के द्वारा आप जो भी इन्वेंशंस होते हैं नई टेक्नोलॉजी के, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है द हिंदू में, द सर्च फॉर डार्क मैटर, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम न्यूज एनालिसिस में हमारी ये परंपरा है कि हम पहले अपने मैटर को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको देते हैं, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। तो जो भी न्यूज़ में आज आया हुआ है उसका सारे का आपका ट्रांसलेशन आपको उसी चीज़ का हिंदी में आपको मिलेगा, और इसको एक बार आप पढ़िएगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी में आपको यहाँ पर ट्रांसलेट मिलेंगी, ये चीज़ें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन मैटर को पढ़ने के बाद भी हम ये नहीं जान पाते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या होगा, या कौन कौन सी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग इसी जो डिटेल में यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिया गया है उसको हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे इसको बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जैसा बात किस चीज़ की होगी आज, डार्क मैटर की। तो फ्रेंड्स, डार्क मैटर की का कॉन्सेप्ट सबसे पहले डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1930 में 1930 में एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है फ्रिट्ज ज्विकी। फ्रिट्ज ज्विकी ने सबसे पहले डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बताया था कि जो डार्क मैटर है वो दो तरह के फोर्स के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। वन वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और डार्क मैटर को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। डार्क मैटर को समझने के हमारे पास क्या हैं, दो तरह के सिद्धांत हैं। एक को हम लोग कह देते हैं MACHOS, मैस्को। इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव कॉम्पैक्ट हैलो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग WIMPS, विम्स। विम्स का मतलब होता है वीकली मैसिव, या वीकली इंटरैक्टिंग, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। ये दो सिद्धांत हैं जिसके थ्रू हम डार्क मैटर को समझ सकते हैं। इसमें से जो मैचोस है, ये सिद्धांत बैरोन पे आधारित है, बैरोन्स पे आधारित है। बैरोन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉन्सेप्ट को बताने में हेल्प करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो आपका है विप्स जो है, ये नॉन बैरोन्स पे संबंधित है, नॉन बैरोन्स पर संबंधित है। यानी कि डार्क मैटर को समझने के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, मैचोस और विम्स। मैचोस का मतलब होता है मैसिव कॉम्पैक्ट हालो ऑब्जेक्ट,
जो बैरोन पे आधारित है। बैरोन का मतलब होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सिद्धांत पे काम करेगा, और बिम्स जो है वो काम करेगा आपका नॉन बैरोन्स, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हेल्प नहीं करेंगे। आगे हम जानेंगे, इसी न्यूज़ में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डार्क मैटर होने के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, उनको हम डार्क मैटर में कंसिडर कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इसके बात करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो विजिबल मैटर है, जो दृश्य पदार्थ है, पूरे ब्रह्मांड में जो दृश्य पदार्थ है वो टोटल 5% है। जो भी विजिबल मैटर है हमारे यूनिवर्स में वो टोटल कितना है? 5% है। बाकी जो आपका रेस्ट है वो आपका क्या है? डार्क मैटर है। बाकी क्या है? डार्क मैटर है लगभग 95%, जिस जो हमको दिखाई देता है, जिससे हमारे प्लैनेट्स बने हुए हैं, सोलर सिस्टम बना हुआ है, सेलेस्टियल बॉडीज बनी हुई हैं, वो सब कितना है? टोटल 5% है। बाकी इनके बीच का जो वैकेंट एरिया है उसमें क्या है? 95% आपका डार्क मैटर है। डार्क मैटर को समझने के लिए हमेशा से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। आज सबसे जो मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर इंस्ट्रूमेंट है, अगर बात किया जाए मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर, मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर अगर कोई है, तो ये यूएसए के साउथ डेकोटा में, साउथ डेकोटा में एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, उसका नाम है LUX, लक्स जेपलिन, इसको शॉर्ट में LZ कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट है जो वहां पर लगाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि इस लक्स जेपलिन में डार्क मैटर को स्टडी करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस को बताने के लिए, उसमें पूरा जो है वो जब ये बताएगा डार्क मैटर, तो उसमें 1 ग्राम डस्ट जो होगा उसमें केवल रहेगा। हम जानते हैं कि हमारे नेचर में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। हमारे नेचर में क्या है? 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। एक आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो डार्क मैटर है, जो डार्क मैटर है वो चार्ज लेस है, इसमें चार्ज नहीं है, ये क्यों ध्यान रखिएगा। कैसा है? ये चार्ज लेस है। और अगर कोई चीज चार्ज लेस है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन नहीं करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन नहीं करेगा तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस पे चार्ज नहीं है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना भी वो शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना भी नहीं शो करेगा। और आप जानते हैं कि लाइट इमिट होना, लाइट इमिट होना क्या है? एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है। तो अगर चार्ज नहीं है तो वो लाइट इमिट नहीं करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को शो नहीं करेगा। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना शो नहीं करते हैं, लाइट इमिट नहीं करते हैं, लाइट इमिट नहीं करेंगे तो वो दिखेंगे नहीं, ना किसी को देखने में वो हेल्प करेंगे। तो एक चीज तो ये हो गई, ये हमको दिखेंगे नहीं, लेकिन मैटर है तो मैटर को आपको पता है कि मैटर का मतलब उसमें एक निश्चित मास होना चाहिए, तो इसमें क्या होता है? एक निश्चित मास होता है।
तो अगर मास है तो क्या करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि डार्क मैटर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के इंटरैक्शन से उसको हम फील कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो चार्जलेस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है पीटी के लिए कि डार्क मैटर पे चार्जलेस होता है, डार्क मैटर मास नहीं होता है, डार्क मैटर क्या लाइट इमिट करेगा, डार्क मैटर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को इंटरैक्ट करेगा, डार्क मैटर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन करेगा। ये तरह के पीटी के सवाल आपको यहां से बन जाएंगे। तो आप बता सकते हैं कि डार्क मैटर में चार्ज लेस होता है, चार्ज लेस होने की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं करेगा, उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, लाइट इमिट नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना शो नहीं करेगा। मैटर है तो उसमें मास होगा, और अगर मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इंटरेक्ट होगा। क्लियर? लेकिन हम जानते हैं कि इन चारों फोर्स में सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सट्रीमली वीक होने के कारण जो पार्टिकल इंटरैक्ट करते हैं, इतने वीक इंटरैक्शन होने के कारण वीकली जो है वो इंटरैक्ट होते हैं, कि इनको हम इंटरैक्शन को हम फील नहीं कर पाते हैं। इनको केवल हम क्या करते हैं, इनको हम फील नहीं कर पाएंगे, एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अनुमान इल्यू एक इसको हम क्या कहेंगे, एक इल्यूजन, इल्यूजन पार्टिकल के रूप में इसको हम, मायावी पार्टिकल के रूप में इसको हम जान सकते हैं, कि लग रहा है कि कोई इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी जानकारी हमको नहीं होती है। तो सबसे जो मजबूत अप्रत्यक्ष जो एविडेंस है डार्क मैटर का, वो डिस्टेंस स्केल है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहां पर कि स्ट्रांग, अगर पूछा जाए कि स्ट्रांग इनडायरेक्ट, स्ट्रांग इनडायरेक्ट एविडेंस फॉर डार्क मैटर फॉर डार्क मैटर कौन सा होगा, डिस्टेंस स्केल होगा। यानी कि डिस्टेंस स्केल से हम बता पाएंगे कि सबसे स्ट्रांग इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो कुछ है ही नहीं, डार्क मैटर को जानने का हमारे पास डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है, सबसे स्ट्रांग इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है, डिस्टेंस स्केल। और डिस्टेंस स्केल हम किसके द्वारा कैसे मेजर करेंगे, तो रोटेशन ऑफ गैलेक्सीज, रोटेशन ऑफ गैलेक्सीज एट शॉर्ट डिस्टेंस स्केल। गैलेक्सीज के रोटेशन से हम ये, और उसके जो स्टार्स होंगे उनके स्पीड से, उनके स्पीड में हम ये बता पाएंगे कि बीच में कोई ऐसी मास है, या कोई ऐसा एंटिटी है, या ऐसे पार्टिकल हैं जो क्या करते हैं, एक प्रकार से स्टार को या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को मूव करने में उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए एक कोई मिल्की वे है, एक कोई भी क्या है, गैलेक्सी है, मान लो एक कोई क्या है, गैलेक्सी है, सपोज करिए ये आपकी कोई गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी का एक सेंटर होगा और एक उसका क्या होगा, रिम होगा। तो और अगर स्टार है, अगर हम सेंटर से बात करें किसी गैलेक्सी के, रिम की ओर कोई स्टार है, तो जब हम सेंटर से रिम की ओर चलेंगे तो हम पाएंगे कि जो स्टार की जो वेलोसिटी है, उसमें जो चेंजेस आ रहा है, उसको हम चेंजेस को ऑब्जर्व करके उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि एक गैलेक्सीज है,
गैलेक्सीज का एक सेंटर होगा और एक मान लो यहाँ पर क्या स्टार है, आपको पता है कि स्टार क्या होगा, हमेशा जो है मोशन में होगा। तो इफ यू लुक एट स्टार ऑल द वे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी गैलेक्सी टू इट्स रिम, द वे द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्व स्टार चेंज में बी प्लॉटेड, इसकी स्पीड चेंजेस आएगा उसको हम प्लॉट कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और हम ये पाते हैं कि जो आपका ऑब्जर्व प्लॉट होता है, ऑब्जर्व प्लॉट जो ऑब्जर्व हमने किया उसका प्लॉट किसका, ऑफ द स्टार स्पीड, जो स्टार चल रहा है उसकी स्पीड को जो हमने ऑब्जर्व किया उसको, उसका जो प्लॉट किया, और कैलकुलेटेड वैल्यू जब हम इनर साइड से गैलेक्सी के रिम की ओर चलते हैं तो उसकी स्पीड को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस आता है। क्या आता है, डिफरेंस आता है। ये आपको, यही इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे न्यूज में, जो आपको समझना है कि डार्क मैटर होते हैं वो इसी से समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी गैलेक्सी है, गैलेक्सी का सेंटर होगा और उसका एक रिम होगा यानी कि पेरिफेरी होगा। कोई स्टार को जब हम क्या करते हैं, जब स्पीड कर रहा होता है जो, उसको हम ऑब्जर्व करके उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक कार गाड़ी है वो सड़क पे जा रही है, सड़क पे जा रही है तो उसको हमने ऑब्जर्व किया और उसको हमने प्लॉट कर लिया कि वो किस स्पीड से जा रही है, एक चीज तो ये हो गई। लेकिन जब हम सेंटर से रिम की तरफ कोई स्टार जा रहा होगा और उसकी हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये देखा गया कि जो ऑब्जर्व प्लॉट की जो वैल्यू थी और जो कैलकुलेट वैल्यू है उसमें क्या है, डिफरेंस है, उसमें क्या है, डिफरेंस है। अब बात आती है कि डिफरेंस क्यों है, ये इसी से समझ में आएगा। ये स्टार जो है वो क्या हो रहा है, आप सभी को पता है कि स्टार क्या हो रहा है, रिम की तरफ जा रहा है। तो जो इसकी ऑब्जर्व स्पीड थी, जो हमने स्पीड ऑब्जर्व की थी और सेंटर से दूर जाने की स्पीड में क्या है, ये दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस है क्यों, ये इसलिए है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मैटर हैं, इसमें क्या है, इनके बीच में फ्रैक्शन ऑफ मैटर हैं, जो मैटर क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मैटर विच एग्जर्ट्स ग्रेविटेशनल पुल, एक खिंचाव, ग्रेविटेशनल खिंचाव डेवलप कर रहे हैं ऑन द रेस्ट ऑफ द स्टार इन द गैलेक्सी। जो भी स्टार हैं उनमें जो है क्या कर रहे हैं, वो इसको खिंचाव कर रहे हैं। और ये हमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसमें क्या है, चार्ज नहीं होता है, कोई रेडिएशन नहीं निकलती है और बहुत छोटे होते हैं। और जब हम क्या करते हैं, प्लॉट को रीप्लॉट करते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं प्लॉट को, तो हमको ये डिफरेंस दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कुछ हो ना हो, हमारा जो गैलेक्सी है उसमें क्या है, डार्क मैटर है, जो क्या कर रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल पुल डेवलप कर रहे हैं जिससे स्टार की जो एक्चुअल स्पीड होती है उससे क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब इसको आप एक सिंपल भाव समझ लीजिए, कहने मतलब ये है कि हमको ये जानना है कि हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम ये परीक्षण करना चाहते हैं कि क्या यूनिवर्स में डार्क मैटर है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि गैलेक्सीज जो है उसमें हमने क्या किया कि गैलेक्सीज से सेंटर से रिम की तरफ, पेरिफेरी तरफ जो स्टार मूव कर रहे हैं, हमने क्या किया कि स्टार जो जा रहे हैं उनकी स्पीड को हमने ऑब्जर्व करके उनका प्लॉट बना लिया। फिर सेंटर से रिम की तरफ जो जा रहा था और स्टार, उसकी हमने स्पीड को क्या किया, कैलकुलेट किया।
ऑब्जर्व स्पीड और कैलकुलेटेड स्पीड में क्या थी कि डिफरेंस आया, तो अनुमान लगाया गया कि जो डिफरेंस आया है ये किसी ना किसी के खिंचाव से आया है, और वो खिंचाव कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बीच में कोई भी सेलेस्टियल बॉडी नहीं होने के बाद भी वहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई ऐसी वहां पर मैटर है जो ग्रेविटेशनल पुल डेवलप कर रहा है, लेकिन वो मैटर पे चार्ज नहीं है इसलिए हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे अनुमान लगाया गया कि हो ना हो गैलेक्सीज में क्या है, डार्क मैटर है, गैलेक्सी में क्या है, डार्क मैटर है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आपको ध्याननी होगी यहां पर, वो ये है कि जो कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं वो जो स्टडी करते हैं वो गैलेक्सीज पर करते हैं, वो गैलेक्सीज क्लस्टर पे करते हैं, गैलेक्सीज क्लस्टर्स पे करते हैं, वे स्टडी लार्ज डिस्टेंस पे करते हैं, लार्ज डिस्टेंस पे करते हैं, और इंटायर यूनिवर्स को मैप करते हैं, इंटायर यूनिवर्स को क्या कर देते हैं, मैप करते हैं, मैपिंग करते हैं। यानी कि कॉस्मोलॉजी का मेन काम है गैलेक्सीज के बारे में जानना, पूरी गैलेक्सीज को एक साथ क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। वहीं पर जो पार्टिकल फिजिस्ट होते हैं, कण भौतिकी के जो होते हैं, पार्टिकल फिजिकिस्ट जो होते हैं, ये स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन की करेंगे, ये स्टडी न्यूक्लियस की करेंगे, न्यूक्लियाई की करेंगे, ये एटम की करेंगे, ये सब एटॉमिक पार्टिकल की करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल का स्टडी करते हैं। और हम जानते हैं कि यूनिवर्स को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट के मेथड से भी, कॉस्मोलॉजिस्ट के मेथड दे सकते हैं, और पार्टिकल फिजिस्ट के थ्रू भी हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में हम जान सकते हैं। दोनों के बारे में हम जान सकते हैं, दोनों लेवल पर हम इसको जो है वो समझ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो इविडेंस यहां पर है, जो दूसरा इविडेंस है उसको आप जानेंगे यहां पर, हमारा जो दूसरा इविडेंस है वो है सेकेंड इविडेंस जो है, सेकेंड इविडेंस हमारा है बुलेट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, बुलेट सॉरी बुलेट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, बुलेट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी मतलब होता है कि जब दो गैलेक्सीज क्लस्टर आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उसको हम लोग बुलेट क्लस्टर कहते हैं, मर्जिंग ऑफ टू गैलेक्सीज क्लस्टर, दो गैलेक्सीज क्लस्टर के मर्ज हो जाने को क्या कह देते हैं, बुलेट क्लस्टर कहते हैं। बुलेट क्लस्टर के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो
डार्क मैटर को हम पहचान सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट में आपको जानना है, यहां पर जो मैंने यहां पे बताया है कि कौन कौन से ऐसे हम किनको किन पार्टिकल को डार्क मैटर पार्टिकल के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि न्यूट्रिनो को हम डार्क मैटर के रूप में कंसिडर कर सकते थे अगर इसका जो है वो मास थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होता। लेकिन ये बहुत हल्का है, ये टू लाइट है, इसलिए हम न्यूट्रिनो को जो है डार्क मैटर की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसके अलावा हम जेड बोसान को भी हम डार्क मैटर के रूप में हम समझ सकते हैं। ये सबसे अच्छा जो है वो कैंडिडेट्स माना जाता है डार्क मैटर का, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन को ये शो करता है। इसके अलावा हम हिडन सेक्टर पार्टिकल, एक्सियॉन्स, बोसान और कंडेंसेट ऑफ डार्क मैटर के रूप में भी हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बता सकता है या एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। एक बार आप पूरा एक बार हिंदी वाला जो मटेरियल है इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको सारे समस्या जो कॉन्सेप्ट है वो आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो न्यूज़ था सर्च फॉर डार्क मैटर, इसमें यही न्यूज़ थी। इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे जिसका जिस्ट है उसमें चार बेसिकली तीन पॉइंट हैं कि डार्क मैटर जो होता है वो चार्ज का नहीं बना होता है, और डार्क है इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है एनर्जी लाइट इमिट नहीं करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना शो नहीं करता है। मैटर है क्योंकि इसमें मास होता है और इसलिए क्या कर देता है, ये ग्रेविटी को इंटरैक्ट करता है। ये जो है डार्क मैटर को जानने का सबसे स्ट्रांग इनडायरेक्ट एविडेंस कौन सा है, तो वो है आपका डिस्टेंस स्केल, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि जो गैलेक्सीज में जो स्टार्स हैं जब वो दूरी तय करते हैं तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल आता है वो डार्क मैटर के थ्रू ही आता है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। और डार्क मैटर को डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है दुनिया का इस समय वो कौन सा है, लक्स जेपलिन LHLZ, ये साउथ डकोटा जो आपका है US में वहां पर स्थित है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे, नमस्कार।